I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding on. चलते चलाते प्यारी प्यारी राहों में, सुंदर सुंदर वादियों में अपा पहुंचने वाले हैं श्री नीलकंठ महादेव। करीब करीब 2 किलोमीटर और रह गया है, उसके बाद पहुंच जाएंगे श्री नीलकंठ महादेव। बहुत सुंदर जगह यार, बहुत सुंदर जगह। बस पहाड़ों को देखते रहो। वो बोलते हैं ना, सभी देवी देवता एक बार इकट्ठे हो गए, बोलते भोलेनाथ जी आप तो बहुत बोले हैं, जब चाहो जहाँ चाहो उसी को आशीर्वाद देते हो, उसी को अमर कर देते हो, आपकी वजह से ये हो रहा है, आपकी वजह से वो हो रहा है। अलग अलग शिकायतें लगी महादेव की, देवताओं की अदालत में। तो भोलेनाथ जी ने अपने आप को सबसे दूर पहाड़ों में आके बसा दिया, कहाँ केदारनाथ, कहाँ बद्रीनाथ, कहाँ नीलकंठ, तो कहाँ वो क्या बोलते हैं उसे, चाइना में जो है। इतनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर जगहों में आके महादेव जी बस गए। बस देखने वाली जगहें हैं। आओ, वाहन चलाते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। शराब ना पिए, मोबाइल का उपयोग ना करें, नियंत्रण गति से गाड़ी को ज़्यादा तेज ना चलाएं। फाइनली वी रीच श्री नीलकंठ महादेव। श्री नीलकंठ महादेव के मंदिर पे पहुंच गए हैं। थोड़ा सा दूर है, पैदल रास्ता है, अभी पहुंच जाएंगे। मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, हमारा सब कुछ तन मन धन सब कुछ श्री महादेव जी का है। तो मैं पूजा करते टाइम और मंदिर के आसपास क्या पता शॉर्ट्स वगैरह ना लूं, क्योंकि उस टाइम सिर्फ महादेव ही होंगे दिल में, ठीक है। बाकी वक्त ये चलते, इसका बर्थडे आज, ये पूजा करके आएगा। जशन, ये जशन है इसका हेल्पर। दोनों दरवाजा बंद करिए भैया। ये ऊपर नील गांव है, नीलकंठ वाला रास्ता बिल्कुल थका देने वाला था। पैदल तो गए नहीं, गाड़ी में गए, फिर भी इतनी थकान हो गई, कभी इधर गाड़ी घूम रही, कभी उधर गाड़ी घूम रही। अभी नेस्ले की चाय के कप में कोल्ड ड्रिंक है। वापस आया वैसे चल 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 ये रहा इधर है। गंगा में लांग
देखो बेटा झूला आयो, देख कैसे हिल रहा है। हाँ तभी तो झूला बोलते हैं इसको। बीच आ गए क्या हो रहा है? ये श्री लक्ष्मण झूला ऋषिकेश की आन बान शान लक्ष्मण झूला सबसे ज़्यादा फेमस इसी की वजह से ऋषिकेश। एक है लक्ष्मण झूला, एक है राम झूला। टेम्प्रेरी टैटू पर 3 से 6 महीने परमानेंट का नेवर नेवर। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश लक्ष्मण झूला, वन एंड ओनली मोस्ट देखने वाली जगह। ये वाला मंदिर आपने काफ़ी टाइम शो किया होगा, ऊपर तक जा सकते हैं इसमें। देखो डूब रहा है, डूबने लग रहे हैं। अरे नीचे डूब रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये डूब रहा है, ये डूब रहा है। ओ तेरी, दिख रहा है? पकड़ लिया ना उसको, वो डूब रहा था। बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए। ऐसा होता है इधर, जितना ये प्यारा है, जितना ये सुंदर है, उससे ज्यादा खतरनाक। इसलिए यहाँ पे नहाना नहीं चाहिए। ये इसलिए क्या, ओवर कॉन्फिडेंस होता ना, वो मारता जनता, शहरी मारती। थोड़ा और जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे। जितनी प्यारी है, जितनी सुंदर है, उससे कहीं ज्यादा जान लेगा। उसने सीटी मारी तो उसने सुना, फटाक से गाड़ी स्टार्ट हो गई। पानी आ चलो जरा सा भी हुआ ना, आप बहुत खतरनाक है। आजा हेलो, आजा 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 आजा। वहीं पे बची थी वो, हां वो दो लड़के नहीं बचाते तो बह जाती। देखा क्या क्या होता है इधर, जितना देखने में सुंदर दिखता है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। लोग चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, फुकरापंती में चले जाते हैं बीच में, ये नहीं पिता घर पे माँ बाप भी वेट कर रहे हैं। वो तो ये बोटिंग वाले थे जिन्होंने बचा ली उनकी जान, वरना क्या घंटा कोई बचा सकता था। ये दौड़े दौड़े आगे भगवान बन के उनके लिए, अगर वो नीचे चले जाते थोड़ा सा ही पानी के तो चले गए थे, क्योंकि इनमें
दो बंदे आए थे बचाने के लिए, उनमें से कोई भी बंदा पानी के अंदर नहीं उतरा था बचाने के लिए, क्योंकि सबसे को पता है नीचे से गहरी है, बहुत ज़्यादा गहरी है। बोटिंग हो रही है, ये देखते हैं नीचे चल के कर पाएंगे तो। वो ऊपर वहाँ थे हम, वो ऊपर जो गाड़ियाँ चल रही है वहाँ पे थे जय आप उस टाइम पे ना, उस जगह से देखा था ये मंदिर। हरिद्वार आओ, ऋषि के साथ अच्छी तरह से घूमो फिरो, ऐश करो, पर ऐसे रिस्क कभी ना लो। समझ में आ गया ही होगा क्यों ना लो। अभी दो माँ के सपूत जाने वाले थे, क्या पता उनके घर वालों की अभी थोड़ी देर पहले बात हुई उनसे। खाना डन, पीना डन, सब कुछ डन, डना डन डन। अभी चलते हैं गाड़ी की तरफ, पूरी तरह से टूट गई है बॉडी, रात को देखेंगे गंगा के किनारे कहीं जाके बैठेंगे। उससे पहले रूम से बाहर नहीं निकलना, बस नहा धो के सो जाएंगे आराम से, थकान बहुत ज़्यादा हो रखी है। कदे अपने ढूंढन लग गए इनकी वजह से तो वो चले गए थे नीचे। ये रैपिड बोलते हैं इनको, जब पानी नीचे गर्म हो जाता है ना तो ऐसे घूमता घूमता वो ऊपर आता है, फिर घूमता घूमता वह नीचे ले जाता है। जा दूर ना जाइए, उर